माय चैनल साइबर ऑक्टोपस। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि यूएसबी रबर डकी यानी कि एटानी 85DG स्पार्क जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसको इसके यूज से हम लोग ऐसे प्रोग्राम अपलोड करेंगे कि जो है उसको लगाते ही हम लोग सेव वाईफाई को जो सिस्टम का में जो भी सेव वाईफाई है उसको हम आसानी से इजिली से एक्सेस कर सके। तो देखिए दोस्तों ये जो है तब बेनिफिट होगा जब आप जो है मान चलिए किसी लैब में हो या कॉलेज में हो तो आप चाहते हो वहाँ पर सिस्टम में आपको लैब मिला हुआ है सिस्टम मिला है लेकिन आप टाइप नहीं टाइप करोगे तो उतना टाइम लगेगा। तो आप चाहोगे कि यूएसबी रबर डकी एटानी 85DG स्पार्क की मदद से हम सेव्ड वाईफाई को तुरंत ही एक्सेस करके देख लें। तो इसको कैसे करेंगे तो इस वीडियो में हम बताते हैं। अगर आप जो है एथिकल हैकिंग साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम इस तरह के वीडियो लाते रहते हैं। अगर आप एटानी 85DG स्पार्क के और वीडियो सीरीज देखना चाहते हैं क्योंकि ये सीरीज नंबर थर्ड है वीडियो नंबर थर्ड है हम ऐसे ही वीडियो लाए हैं डीजी स्पार्क के देख सकते हैं प्लेलिस्ट पे आप यहाँ पर कैसे फ़ोन को अनलॉक करना है ये सारे मैं वीडियो डाला हूँ। तो चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर एटानी 85DG स्पार्क में ड्राइवर को इंस्टॉल करना होगा। उसके ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करते हैं इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो हो गया होगा आप वो वीडियो अच्छे से देख लें तो उसको ईजिली आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम हैं आर्डिनो आईडीई। आर्डिनो आईडीई में हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग करेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं प्रोग्रामिंग करके मैं उतना टाइम नहीं आपका लेना चाहूँगा कि वीडियो लंबा हो जाएगा तभी मैं इसको बता दिया हूँ। अब डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर एक वीडियो है आप वो देख लेंगे तो ठीक रहेगा। तो देख सकते हैं पहले यहाँ पर डीजी कीबोर्ड क्योंकि डीजी कीबोर्ड यहाँ पर कीबोर्ड से एक्सेस दे रहे हैं तो ये जो व्हाइट लुक के अंदर जो है सारा प्रोग्राम इसी में लिखते हैं। तो इस चीज़ को मैं समझाता हूँ पहले आपको। देखिए जैसे ये जो है हम प्रोग्राम इस तरह से किए हैं कि पहले मेरा जो है विंडोज आर खुलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर की आर यहाँ पर जिस तरह से मैं लिखा हूँ प्रोग्राम मैं समझाया हूँ तो विंडो आर पहले ये की प्रेस करेगा मेरा। प्रेस करने के बाद जो है सीएमडी वो सीएमडी टाइप करेगा फिर उसके बाद इंटर करेगा। इंटर करने के बाद जो है कलर टू मैं चाहता हूँ कलर ग्रीन देने का इसलिए मैं कलर टू दिया हूँ। फिर वो जो है 5 सेकंड वेट करेगा फिर जो है वो फिर वो इंटर करेगा। फिर इंटर करने के बाद NETS वॉलेंट शो प्रोफाइल की इसको क्लियर दिखाएगा। फिर उसके बाद ये मुझे जो भी आप जो है जिस भी पासवर्ड को जो भी वाईफाई के को आप करना पासवर्ड देखना चाहते हैं किसी भी सिस्टम को आपको ये वो पासवर्ड जो है यहाँ पर टाइप करना होगा। यहाँ देख सकते हैं जैसे मैं लिखा हूँ यहाँ पर चलिए मैं आपको करके पहले दिखा देता हूँ तब आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा इससे ज़्यादा अच्छा है। विंडोज आर में क्लिक किया तो इस तरह से मुझे ये शो होगा जैसे कि सिंपली से शो होगा। इसमें मैं COLOR पहला कमांड मेरा होगा कलर को चेंज करना तो COLOR कलर टू तो कलर टू हम किए तो कलर चेंज हो जाएगा मेरा। तो अब नेक्स्ट कमांड जो मेरा यहाँ पर लिखाएगा तो वेट करने के बाद तो लिखाएगा NETSS वॉलेन WLAN इसका मतलब हो गया वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क वॉलेन शो प्रोफाइल की इक्वल टू क्लियर। ये करने के बाद जो है वो 5 सेकेंड वेट करेगा फिर वो इंटर कर देगा। इंटर करने के बाद मेरे जो सिस्टम होगा जो सिस्टम से वाईफाई वो कनेक्ट होगा तो जितना भी वाईफाई वो कनेक्टेड सिस्टम में सेव होगा उसका पासवर्ड वो सारे का BSSID जो है आपको दिखा देगा प्रोफाइल। तो आपको कौन सी स्पेसिफिक वाईफाई को पासवर्ड को देखना है तो उसके लिए कमांड जो हमारा जो है यही टाइप करेगा लेकिन शो प्रोफाइल के बाद आपको जो प्रोफाइल का पासवर्ड देखना होगा इमीडिएटली तो उसका नाम लेंगे। जैसे कि मैं एग्जाम्पल में एंड्रॉयड AP है तो मैं इसको ले लेता हूँ तो NDROID देखिएगा आपको स्पेलिंग में कोई गलती नहीं करना होगा अच्छे से लिखना होगा कि वहाँ पर प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरह से ये इस तरह से वहाँ टाइप होगा और इंटर कर देगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं की कंटेंट इस तरह का पासवर्ड दिखाएगा देख सकते हैं आपको क्लियर है यहाँ पर मैं समझा दिया हूँ। अब इसको मैं कट कर देता हूँ। अब इसको प्रोग्राम को मैं अपलोड करूँगा डीजी स्पार्क एटाइनी 85 में। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ तक क्लियर है वही चीज़ मैं यहाँ पर किया हूँ। अगर आपको करना होगा तो वहाँ पर आप अपने हिसाब से यहाँ पर आईडी दे दीजिएगा। यहाँ पर ये इस प्रोग्राम का स्क्रिप्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको सिर्फ एडिट करना होगा तो आप यहाँ पर अपना जो है भी जो वाईफाई को पासवर्ड देखना चाहते हैं तो वहाँ पर ये नाम लिख दीजिएगा मतलब उस आईडी का उस वाईफाई के का नाम लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर वो इंटर करेगा देख सकते हैं इस लूप को हम रोकने के लिए फॉर लूप का यहाँ यूज किए हैं तो यहाँ पर ये भी देख सकते हैं यहाँ पर। अब कोई दिक्कत नहीं ये प्रोग्राम को मैं एक बार चेक कर लेता हूँ तो कहीं यहाँ पर इरर तो नहीं है तो यहाँ पर मैं चेक कर लूंगा अच्छे से। तो ये जो है चेक कर रहा है देख सकते हैं चेक करने के बाद यहाँ पर बता रहा है कोई इरर नहीं है आपको यहाँ पर शो भी हो रहा है। तो अब मैं इसे अपलोड करूंगा यहाँ देख सकते हैं अपलोड करने का यहाँ पर ये है तो हम अपलोड करके चेक कर रहे हैं देख सकते हैं यहाँ बोल रहा है कि यहाँ मुझे 60 सेकंड के अंदर जो है एटानी 85 को लगाना है तो मैं लगाता हूँ। सकते हैं दोस्तों मुझे 60 सेकंड के अंदर बोल रहा है यहाँ पर लगाने के लिए और मेरे पास एटानी 85DG स्पार्क है मैं लगाता हूँ। यहाँ पर कोड जो है देख सकते हैं मैं यहाँ लगाया हूँ अब ये कोड अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। देखते हैं क्या लिखा था देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है सॉरी देख सकते हैं जैसे ही मैं लिख किया कि ये तुरंत एग्जीक्यूट इसलिए मैं तुरंत निकाल लिया तो देख सकते हैं थैंक यू लिखा गया कि आपका कोड जो है कंपाइल हो चुका है। चलिए मैं इसको ये कर देता हूँ अब देखते हैं क्या इसका ये फ़र्क पड़ता है।
चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, अब मेरे पास एटाइनी 8.5 है और मैं यहाँ पर कोई कीबोर्ड में कोई यहाँ पर नहीं लगाया हूँ, ना ही माउस यूज कर रहा हूँ। अब मेरा एटाइनी 8.5 है, अब मैं इसे सिंपल इसे यहाँ पर सिंपल से यहाँ पर लगा देता हूँ, मतलब कनेक्ट कर देता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है, चलिए हम चेक करते हैं। देख सकते हैं सेम स्क्रिप्ट जैसे मैं तैयार किया था उसी तरह से लिखा आ रहा है। अब देख सकते हैं यहाँ पर मुझे सेम मुझे वाईफाई का पासवर्ड सेफ पासवर्ड दिखा दिया है, तो मैं अच्छे से दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको। देख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे वो अच्छे से दिख गया वहाँ पर पासवर्ड, जिस तरह से मैं स्क्रिप्ट तैयार किया था उस तरह से स्क्रिप्ट काम कर गया है। देख सकते हैं ऐसी वीडियो जो है सीरीज पाने के लिए रबर डकी को किस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।